हेलो गाइस, आज हम करेंगे सेक्शन नंबर 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ व्हाट इज सेक्शन नंबर 149? सबसे पहले हम बात करेंगे 149 सबसेक्शन नंबर 1 की। सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? एवरी कंपनी शेल हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स एज ए डायरेक्टर। तो सेक्शन नंबर 149 ने बोला कि जितनी भी कंपनीज हैं, हर एक कंपनी के अंदर क्या होने चाहिए, कुछ डायरेक्टर्स होने चाहिए। और वो डायरेक्टर कौन होगा? एक इंडिविजुअल। डायरेक्टर कौन हो सकते हैं, मेरी बात का जवाब देना, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अलावा डायरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर तो कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड का शेयर होल्डर मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, और रिलायंस कंपनी भी हो सकती है। लेकिन जब हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो डायरेक्टर्स में केवल एक इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन, ठीक है। तो डायरेक्टर हमेशा हमेशा कौन बनेगा? एक नेचुरल पर्सन, एक इंडिविजुअल। अब इधर लिख देता हूं मैं मिनिमम और इधर लिख देता हूं मैक्सिमम। अगर मैं 1% कंपनी की बात करूं, अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूं, अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं, तो मिनिमम ओपीसी में एक डायरेक्टर होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3। मैक्सिमम ओपीसी में कितने हो सकते हैं? 15। प्राइवेट कंपनी में कितने हो सकते हैं? 15। पब्लिक कंपनी में कितने हो सकते हैं? 15। आप ये कंफ्यूज मत होना कि ओपीसी में एक ही मैक्सिमम होगा। ओपीसी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेंबर एक होता है, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि डायरेक्टर भी एक होगा। डायरेक्टर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मैक्सिमम आप कितने डायरेक्टर्स रख सकते हैं अपनी कंपनीज में? 15, ठीक है। अगर मेरी एक प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम मुझे 2 डायरेक्टर्स तो रखने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने रख सकता हूं? 15। क्या 15 से ज्यादा ये कंपनीज, चाहे वो ओपीसी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, क्या ये 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। ये लोग 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रख सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो तो आप इस 15 की लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं, ओके? लेकिन ध्यान देना, ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग वाली कंडीशन है, ये 2 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एक है आपके पास सेक्शन 8 कंपनी और एक है आपके पास गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी या शेयर्स कितने हैं? 51% से ज्यादा हैं, ठीक है। और सेक्शन 8 कंपनी आपको बताइए, जो चैरिटेबल कंपनीज होती हैं, तो उनके ऊपर ये वाला प्रोविजन नहीं लगता। कौन सा वाला प्रोविजन? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेक्शन 8 कंपनी अपनी कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स रखना चाहती हैं तो वो रख सकती हैं, उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की दरकार नहीं रहेगी। इन द सेम वे, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो वो कंपनी भी अपनी कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से ज्यादा रख सकते हैं विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन नंबर 1। एक बार मैं क्विक रिकैप दे दूं, केवल एक इंडिविजुअल ही कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है। ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1, 2, 3 रहेंगे, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। इस 15 की लिमिट को बाईपासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग आप एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये 2 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। एक है आपके पास सेक्शन 8 कंपनी और एक है आपके पास गवर्नमेंट कंपनी, ओके। थैंक यू सो मच। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम 149 वुमेन डायरेक्टर के रिगार्डिंग, 149 सबसेक्शन नंबर 1 रेजिडेंट डायरेक्टर, 149 सबसेक्शन नंबर 3। थैंक यू सो मच। तब तक आप ये वीडियोस देखें, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे।